मैमोग्राफी या मैमोग्राम एक ऐसा टेस्ट जिससे ज्यादातर महिलाएं या तो बेखबर हैं या घबराती हैं, तो समझते हैं इसे और दूर भगाते हैं बेकार का ये डर। मैमो मतलब स्तन और ग्राफी मतलब तस्वीर लेना। मैमोग्राफी स्तन का एक्सरे चित्र है। ये एक्सरे की मदद से स्तन के अंदर की तस्वीरें उतारता है। तो किसे जरूरत है मैमोग्राफी की? किसी भी महिला को अगर अपने स्तन में गांठ या असामान्य लक्षण मिले तो उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए तुरंत। तब हो सकता है कि डॉक्टर मैमोग्राफी करवाएं। मैमोग्राफी इज अ वेरी गुड डायग्नोस्टिक टूल। मैमोग्राफी कैंसर को ढूंढ निकालने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर कोई महिला आपके पास आए उसमें कैंसर का लक्षण हो तो डॉक्टर मैमोग्राफी करवा सकते हैं, क्योंकि हम एक लक्षण की जांच कर रहे हैं। महिला को परेशानी है और हम डायग्नोसिस कर रहे हैं कि कैंसर है कि नहीं। मैमोग्राफी डायग्नोसिस का टेस्ट है, आम टेस्ट नहीं। डॉक्टर का कहना है कि ये तभी होना चाहिए जब महिला में गांठ मिले या कोई और लक्षण हो या फिर उसमें स्तन कैंसर का अंदेशा ज्यादा। मैमोग्राम डॉक्टर की सलाह के बिना अकारण नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली नॉर्मल जस्ट हैज द फियर ऑफ कैंसर एंड वांट्स टू गेट हरसेल्फ चेक्ड अप फॉर अ लंप। सिर्फ डर की वजह से बिना लक्षण के मैमोग्राफी करना समझदारी नहीं। ये महिला तो आमतौर पर जांच करा रही है कि कहीं उसे कैंसर तो नहीं। ऐसे मामलों में मैमोग्राफी उपयोगी नहीं। लेकिन अगर आपको मैमोग्राफी करानी पड़े तो वो इस तरह होगी। मैमोग्राफी के लिए अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं, ये एक साधारण परीक्षण है। आपके स्तन को एक विशेष स्क्रीनिंग टेबल पर रखा जाएगा और आपको बिना हिले डुले स्थिर रहना होगा। स्तन पर दबाव डाला जाएगा ताकि स्पष्ट आकृति मिले। एक एक करके दोनों स्तनों का परीक्षण होगा। आपको स्थिर रहना होगा ताकि आकृति स्पष्ट मिले। It is uncomfortable because you know your breast is actually pressed between two plates. So uncomfortable to hai, but it's just a momentary, just like taking an injection. जब मेरी मैमोग्राफी होने वाली थी तो मुझे एक्चुअली बहुत ज्यादा डर लग रहा था। ऐसी फीलिंग हो रही थी जैसे जैसे कोई क्रश कर देगा, उस तरह की फीलिंग हो रही थी। और मैंने पहली बार मैमोग्राफी कराई आफ्टर जब वो मुझे लंप का पता चल गया। लेकिन जब मैं कराने गई तो बहुत ही कंफर्टेबल प्रोसीजर है, बिल्कुल पता भी नहीं चलता है एक्चुअली, एंड द प्रोसीजर इज ओवर। और फीमेल टेक्नीशियंस होती हैं मैमोग्राफी की जगह पे, तो बहुत ही कंफर्टेबल सा प्रोसीजर है। उसके बारे में एक्चुअली दो बार सोचने की भी जरूरत नहीं होती है। मैमोग्राफी अच्छी तरह हो इसके लिए कुछ पते की बातें। अगर आप गर्भवती हैं तो टेक्नीशियन को जरूर बताएं। अगर आप हार्मोन लेते हैं तो भी टेक्नीशियन को बताएं। अगर आपका पहले ही कोई ऑपरेशन हुआ है तो भी उसकी जानकारी जरूर दें। मैमोग्राफी से पहले टैल्कम पाउडर नहीं लगाएं, ना ही कोई क्रीम या लोशन, ना तो स्तन पर और ना ही बगल में। डिओडोरेंट या परफ्यूम भी मैमोग्राफी में बाधा डाल सकते हैं। अगर आपके डॉक्टर मैमोग्राफी की मांग करें तो बिना झिझक या डर के उसे कराएं। अगर कोई पुरानी रिपोर्ट हो तो जरूर साथ ले जाएं। लेकिन जैसा कि कैंसर विशेषज्ञ कहते हैं, मैमोग्राफी अपने आप बिना सलाह के बेकार है।
बिल्कुल ना कराएं। ये सिर्फ डॉक्टर के मांगने पर ही की जानी चाहिए।